फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आज आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में मोहल्ला कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर शहर DYSP जादो साहब, आज़ाद नगर PI और हमारे साथी हिदायत वकील साहब, इदरीस चिकनवाला, इस्माइल परियागी साहब और हमारे प्यारे सर असगर अंसारी, इस्माइल जमाली साहब और बहुत सारे लोग थे, सबका नाम तो नहीं ले सकता। बहरहाल बहुत अच्छे ढंग से मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर हम लोगों ने यही सुझाव दिया है और ख़ास तौर से हम आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि भाई कुर्बानी का त्यौहार हमारा अपना है, हमें इसको कितने अच्छे ढंग से इसको निभाना है कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। कुर्बानी करना है, उसके जो वेस्टेज निकलता है उसको अच्छे ढंग से कॉरपोरेशन के ज़रिए उठाना है और जहां स्लाटर हाउस है वहां जाकर कुर्बानी करना है, वहां एंट्री करना है, वहां उसकी फ़ीस देना है। ये तमाम बातों का ध्यान रखते हुए आखिर में ख़ास तौर से जो कुर्बानी हो जाती है उसका जो गोश्त रहता है वो उसको ढाँक कर अच्छे ढंग से अपने घर को ले जाना है। और आवाम से ख़ास तौर से गुजारिश है कि भाई कुर्बानी के जानवर की कोई किस्म की वीडियो बनाकर अपने ग्रुप में अपलोड ना करें, हर एक दूसरे जो है इसको मना करें। हर ग्रुप के एडमिन की जिम्मेदारी है, ना हो तो फिर 3 से 4 दिन ओनली फॉर एडमिन कर दें, जिसकी वजह से शहर का कोई भी वातावरण ख़राब नहीं होगा। अल्लाह का करम है, 21 साल हो गया मालेगांव शहर को कि शांतता कायम है। मालिक से दुआ है कि ये सबनम यूं ही बरसती रहे, ज़मीं हमेशा लहू के लिए तरसती रहे। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में मोहल्ला कमेटी मीटिंग रखी गई। अभी इफ्तिखार आजी साहब ने, केदारी सर ने सबका नाम लिया मीटिंग में हाजिर जो लोग थे और कुछ लोगों के नहीं ले सके। मैं सिर्फ हमारे शहरियान की आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना की बीमारी जो ख़त्म हुई है उसके बाद अभी जितने भी त्यौहार आ रहे हैं ये पहली मर्तबा हमें खुलकर मनाने का मौका मिल रहा है और अल्लाह का करम है कि इस मर्तबा अभी हमें बकरीद का त्यौहार खुलकर मनाने का मौका मिल रहा है। तो ये हमारा अपना फ़र्ज है कि हम ये त्यौहार खुशी यानी खुश होकर बनाएं और साथ ही साथ कानून की पासदारी करते हुए, कानून के दायरे में रहकर हमें ये त्यौहार बनाना है ताकि किसी की दिल आज़ारी भी नहीं होना चाहिए और त्यौहार की खुशियों को दोबाला करना है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि हर चीज़ का हमें एहतियात रखना है, व्हाट्सएप का एहतियात रखना है। उसके बाद जो है तो जो वीडियो बनाते हैं, ख़ास तौर से हमारे घरों के कुछ कुछ बच्चे एक मजाकी तौर पर भी, मतलब उनका कोई मकसद नहीं रहता है, लेकिन जो वीडियो बनाते हैं कुर्बानी वगैरह का, उस पर ख़ास ध्यान रखें कि वो वीडियो ना बनाएं और किसी तरह का कोई भी ऐसा वायरल नहीं होना चाहिए मामला जिसकी वजह से हमें किसी तरह की तकलीफ आ सके। और कॉरपोरेशन जो है तो उसके साथ भी हमें ताउन करना चाहिए, जैसा कि मीटिंग में भी हमारी बात हुई है तो कॉरपोरेशन के सब नंबर भी दिए जाएंगे आप लोगों को कि जहां पर अगर कुछ कुर्बानी के बाद जो बचा हुआ रहता है वो चीज़ के लिए गाड़ियां आती है वो नंबर दिए जाएंगे। तो उस सब का ध्यान रखते हुए हमें ये त्यौहार बनाना है और ख़ास तौर से गलियों के अंदर जो आलात फेंके जाते हैं उसका ध्यान रखना है हमें कि हम गलियों में ना फेंके, उसे एक किनारे रखकर मेन रोड तक गाड़ी तक पहुंचाना है। दसी का भी दरअसल 10 तारीख को ही हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का एकादशी का भी त्यौहार है, इसलिए हमें और स्पेशल तौर पर बहुत ध्यान रखकर कुर्बानी करना है कि किसी की ज़रा भी दिल आज़ारी नहीं होना चाहिए। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन चादीतील आज शांतता समितीची बैठक झाली। या समितीमध्ये आदरणीय DYSP साहेब, जाधव साहेब व रत्न पारखी PI साहेब आणि आमचे आदरणीय इफ्तिखार पहलवान रियाज अंसारी, नंतर आमचे शांतता कमिटीचे ज्येष्ठ सदस्य
इद्रीस चिकनवाले, नंतर आमचे असे मुख्तार भाई, नंतर आमचे इफ्तेखार पहलवान, हे सर्व उपस्थित आहेत। आम्ही शांतता कमिटीच्या दृष्टीने जे काही प्रिकॉशन्स मालेगाव शहरामध्ये जे संवेदनशील शहर असल्याने आपण सर्वांनी काळजी घ्यावी, नगरपालिकेने दिलेल्या सूचनांचं पालन करावं आणि देशामध्ये जी परिस्थिती आहे संवेदनशीलतेची त्याचंही पालन करावं अशी मी सर्व नागरिकांना नम्र आवाहन करतो। आजाद नगर सेक्शन में महिला अमन कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग का मकसद कुर्बानी के ताल्लुक से था। तो मज़हब इस्लाम में दो ही तो त्यौहार हैं, ईद उल फितर और उसके बाद ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा जो है कुर्बानी का त्यौहार है और कुर्बानी जो है इसका तकद्दस बरकरार रहे कि इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है। हम लोग कुर्बानी के लिए जानवर तो खरीद लेते हैं मगर कुर्बानी का जो तकद्दस है उसको पामाल करते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है बल्कि ये गुनाह का काम है कि कुर्बानी करने के लिए आदमी अपने ऊपर गुनाह लाजिम करे। और हम जिस मुल्क में रहते हैं ये कौमी यकजहती का मुल्क है, यहाँ हर एक के भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है। उस हिसाब से हमको त्यौहार और कुर्बानी ऐसे करना है कि जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बिरादरी के लोग हैं तो किसी की मजहबी दिल आज़ारी ना हो। और साथ ही कुर्बानी के अय्याम में कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट में हमको कुछ हिदायत दी हैं, उन हिदायत पर अमल करना चाहिए। जैसा कि अपने कुर्बानी का जो सेंटर बनाया गया है आरजी सेंटर, वहाँ कुर्बानी करना और गली महल्लों में कुर्बानी करने से एहतियात करना और उसके जो फजलात हैं वो अगर हम गली महल्लों में कर रहे हैं तो ऐसी जगह उसको ले आकर रखें कि कॉरपोरेशन की गाड़ियां उसको आके आसानी से उठा लें। और अभी अपने मालेगांव शहर जो है कोरोना महामारी से बिल्कुल पाक है और आइंदा भी इंशाल्लाह पाक रहेगा। तो इसके लिए जब हम साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो दूसरी सारी बीमारियों से भी हम लोग महफूज रहेंगे। ये मेरा पैगाम है, सारियान इस पर अमल करें और कॉरपोरेशन और पुलिस प्रशासन साथ अपना ताउन करें। अस्सलामुअलैकुम तमाम शहरियान से जो अपील दरख्वास्त तो अमन कमेटी के अरकान ने की है, जुमला पुलिस अहबाब ने की है, उम्मीद है कि शहरियान इस बात पर तवज्जो देंगे। खुसूसी तौर पर हमारे नौजवानों में एक चीज़ का जो रुझान है तस्वीर कसी और वीडियोग्राफी, इससे इज्तनाब किया जाए, इससे शहर का अमन कायम रहेगा। वीडियोग्राफी से खुसूसी तौर पर एहतियात किया जाए।